आखिरकार बाबा बागेश्वर को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का ऐलान कर दिया। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा के फैसले पर केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। एमपी सरकार ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि बाबा बागेश्वर जहां जहां जाएंगे वहां की सरकार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करे। बाबा बागेश्वर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा का क्या है यह पूरा मामला आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर जिनका एक बयान मचा देता है घमासान। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा बागेश्वर जिनके कार्यक्रम में बनते हैं भीड़ के नए रिकॉर्ड। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बाबा बागेश्वर जो करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। बाबा बागेश्वर जो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य तोड़ द्रोही है वो। अब यही बाबा बागेश्वर वाई कैटेगरी सुरक्षा में रहेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के फैसले को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बीते लंबे समय से बाबा बागेश्वर को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली थी। बाबा बागेश्वर को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। अमर सिंह नाम के एक शख्स ने धीरेंद्र शास्त्री के चाचा के बेटे को धमकी भरा कॉल किया था। फोन करने वाले शख्स ने कहा था धीरेंद्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। धमकी भरे फोन के बाद बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में एमपी पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की थी। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा को आतंकवादी तक कह डाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हिंदू राष्ट्र की मांग करने को लेकर बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था। मौर्य ने लिखा था हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन और संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक ओर देश के बंटवारे का फिर से बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बातें कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। एक तरफ बाबा अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं तो दूसरी तरफ इन्हीं बयानों की वजह से बाबा विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि भविष्य में 500 साल तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आइंदा भविष्य में हमारा भारत 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये मेरा दावा है और ये शास्त्री जी सुन लें और उनके हवारी मवारी जितने भी हैं वो भी सुन लें। नफरत फैलाना बंद करते देश में। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना शाहबुद्दीन ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की आस्था की किताब रामचरितमानस के खिलाफ बराबर वो बोल रहे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किताब के वर्कों को पन्नों को जलाया गया, तौहीन की गई। तो ये दो ताकतें ऐसी हैं जो भाईचारे को खत्म कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे और इनकी सभाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए। इधर बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भी सियासत जारी है। बाबा बागेश्वर 29 मई से 2 जून तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान अहमदाबाद और राजकोट में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन बाबा के दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नु मार्केटिंग से धर्म ना नामे धतिंग करवा वाला देश में कोई भूखा नहीं मरता। मजा मजा से हमने धर्म नो राजकीय उपयोग नहीं करवो जो ये जे जे आंध्रा धर्म भक्तो होए से हमने तो भगवान माफ करे।
એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી રીતે જે આવા લોકોનો દુરુપયોગ કરીને લોકોના ખોટા ચમત્કારના નામે નાટક કરવાના, એ નાટક બંધ થવા જોઈએ. વૈજ્ઞાનિક યુગમાં આપણે જીવીએ છીએ ને, આ યુગમાં આવા ધતિંગને અવકાશ ન હોય. બાબા બાગેશ્વર કો લેકર ગુજરાત કે અલાવા ઉત્તર પ્રદેશ મે ભી રાજનીતિ હાવી હૈ. સમાજવાદી પાર્ટી ને ધીરેન શાસ્ત્રી પર સિયાસી એજન્ડા ચલાને કા આરોપ લગાતે હુએ ઉન્હેં યુપી મે ઉનકે કિસી ભી કાર્યક્રમ કા વિરોધ કરને કા એલાન કિયા હૈ. કુછ લોગ ભારતીય જનતા પાર્ટી કે એજન્ડે કો લેકર કે ભીડ ઇકઠ્ઠા કર કર કે સમાજ મે જો હૈ વો ધ્રુવીકરણ કરને કા કામ કર રહે હૈ, જિસસે નફરત ફૈલ રહી હૈ ઓર જનતા કે મુખ્ય મુદ્દો સે જનતા કા ધ્યાન બાંટને કા કામ હો રહા હૈ. બહરહાલ વિપક્ષ બાબા કે દરબાર કો લેકર કિતની ભી આવાજ બુલંદ કરે, ઇસસે ઉનકે કાર્યક્રમ કે ભીડ મે ઇજાફા હી હોતા હૈ. બિહાર કી તસવીરો કા ગવાહ તો પૂરા દેશ બન ચુકા હૈ કે કિસ અંદાજ મે હનુમંત કથા કો ભક્તો ને હાથો હાથ લિયા. અબ ગુજરાત મે ભી વૈસી તસવીર દેખને કો મિલે તો તાજ્જુબ નહી. હાલાકી ઇસ બહાને સિયાસત ભી ખૂબ જોર પકડેગી ઓર ઇસ બીચ બાબા બાગેશ્વર કો મિલી વાય કેટેગરી કી સુરક્ષા કા મુદ્દા ભી સુર્ખિયો મે રહેને વાલા હૈ, ક્યોંકી વિરોધી બાબા કી ગિરફ્તારી કી માંગ કર રહે થે ઓર વહી મધ્ય પ્રદેશ કી શિવરાજ સરકાર ને બાબા કો વાય કેટેગરી કી સુરક્ષા દે દી હૈ. લિહાઝા યે મુદ્દા અબ ધર્મ મંચ સે નિકલ કર સિયાસી ગલિયારો મે ઘમાસાન લાને કે લિયે કાફી સાબિત હોગા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા. ઝી ન્યૂઝ.